नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो वैसे ही कंट्रोवर्सी में रहता है कि उसके कान काटने चाहिए या ना काटने चाहिए। डॉगमैन के कान खड़े करने पड़ते हैं क्रॉपिंग से, और उसके बाद क्या करना चाहिए। मेरा नाम जिन्स मैथ्यू, लॉयल कनल, हेटमानूर, कोटेम, केरला। ठीक है भैया, ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है इसका? कान खड़ा करना इसका एक्चुअली कॉस्मेटिक सर्जरी है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी सब लोग चाहते हैं कि अपना डॉग का, डॉबरमैन का खान खड़े हो जाए, बट वो उतना आसान तरीका नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग करा लेते हैं, बहुत सारे फेलियर हो जाता है। मैं यहाँ अपना डॉबरमैन पपी 2 महीने जब कंप्लीट होता है तो 5 किलो वेट हो जाता है। 5 किलो वेट अगर पपी का हो तो उसका सेडेशन दे सकता है, एनेस्थेशिया दे सकता है, रिस्क कम है। तो इसलिए जब बच्चा 5 महीने का, 5 किलो का हो जाता है, तुरंत ले जा करके उसका सर्जरी करा देता है। सर्जरी ऐसा है कि इधर बहुत सारे मतलब खान बड़ा रहता है, ये साइड से काट करके पूरा एनेस्थेशिया दे देता है, तो कुत्ते को कोई दर्द नहीं होता है, जब उठने के बाद ही थोड़ा सा दर्द होता है। तो भैया, ये कान वैसे करवाते क्यों थे? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है कि सर्जरी कॉस्मेटिक। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसका खान इसके छोड़ने के बाद ये टेपिंग किया हुआ है, इसे अंदर से ऐसे काट लिया, आराम से करने का है, कान पे चोट नहीं लगना चाहिए। ये भैया ने पुरानी टेप उतार दी है। हाँ, इसको आराम से करना है, कान पे चोट नहीं लगना चाहिए। कान पे जब चोट लग जाएगा, जब तक वो हीलिंग नहीं होता है, अगला टेपिंग नहीं कर पाएगा। तो ये क्रॉपिंग कहाँ से करवाई, मतलब ये आप ही करवाते हो सर? नहीं नहीं, मैं मतलब कोचिन में ले जा करके ठीक है करा लेता हूँ। तो ये इन्होंने कटिंग करवा के इसको ये शेप दी है। अभी खोल दिया कान, तो अभी थोड़ा सा ठहरा है, थोड़ी देर के बाद उसमें पावर आ जाएगा, तो एकदम ऐसे रहेगा। ठीक है, देखिए। और ये बॉक्सर में भी यूज की जाती है। आप देखिए ये पप्पी अभी कैसे दिख रहा है, अभी कैसे दिख रहा है। अच्छा, मतलब खूबसूरती के लिए इसको यूज है और कोई नहीं है? सिर्फ खूबसूरती के लिए। बहुत फिरोशियस दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, कान अलर्ट रहता है, मतलब अच्छा दिखाने के लिए ये क्रॉपिंग करते हैं। हाँ, वही। तो एक चीज और भैया, ये क्रॉपिंग जो आपकी टेपिंग है, ये जर्मन शेफर्ड के कान नहीं खड़े होते कई बार 8-9 महीने में, तब भी यूज कर सकते हैं? हाँ, तब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोई कान में लोग यूज करते हैं। अगर दोस्तों आपके जर्मन शेफर्ड के भी कान खड़े नहीं हुए, तो आप ये यूज़ का कान का टेपिंग दूसरे टाइप का है। अच्छा, वो दूसरे टाइप का पोस्टिंग नहीं लगाता है। ठीक है, इसका थोड़ा वाइड पोस्टिंग लगाता है। अच्छा, क्योंकि उसका कटवाते नहीं है कान। ठीक है, कटवा करके थोड़ा पतला है, विड्थ कम है। तो दोस्तों, ये पहले सर्जरी की जाती है, तब इसकी ये इतना कान रखा जाता है, मतलब आधे से भी ज्यादा उड़ा दिया जाता है, इधर से काटते हैं पीछे से। अच्छा, तो उसके बाद पूरा स्टिच लगा देते हैं। ये कितने दिन में करते हैं ये वाली चीज? ये जब पप्पी 5 किलो का हो जाता है। अच्छा, 5 किलो से ऊपर ही सर्जरी, रिस्क बहुत कम है। ठीक है, रिस्क कम है, क्योंकि एनेस्थेशिया देता है तो पप्पी पूरा सो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये ब्रीडर साहब ने ये करवाया हुआ है। अब देखिए, इसको टेपिंग कितने दिन करनी पड़ती है? अभी तो 3-4 दिन में वो खोल करके अच्छा फिर लगाते हैं। तो कितनी बार टेपिंग? ऐसे 10-15 बार करने पर पूरा ठीक होना चाहिए, मतलब जब तक खड़े नहीं होते तब तक करते रहते करते। अभी तो इसका खान तो ऑलमोस्ट खड़ा हो गया, ऑलमोस्ट खड़ा है, पकड़ने से पता चलता है बहुत टाइट है। ठीक है, जल्दी करके बताइए, जल्दी गिरेगा नहीं है। ठीक है, तो भैया का तरीका हम देख लेते हैं। तो अभी ये निकाल दिया, निकालने के बाद वो स्पिरिट में कॉटन लगा दिया, सफाई करना, अच्छा से साफ करना पड़ता है, क्योंकि साफ नहीं करेगा टेप नहीं चिपकेगा। ठीक है, और हम लोग जो कोई पप्पी का टेपिंग शुरू करते हैं तो इसका पहले बाल निकाल दे, शेविंग कर देता है। अच्छा, ताकि चिपक जाए अच्छा से। अच्छा अच्छा, उसके बाद अब जरूरत नहीं है, 4-5 टेपिंग के बाद फिर बाल आने लगता है। अच्छा, तो चाहिए तो फिर भी वो अंदर से पूरा गंदा पूरा निकालना चाहिए। दोस्तों, इसका इनका कहना है कि ये कॉस्मेटिक है, सिर्फ दिखाने के लिए, आपको कान खड़े करने के लिए जो जो ब्रीड की जाती है उनको सर्जरी कराते हैं। अब ये क्या ले लिया आपने भैया? ये पेपर स्ट्रो है, हम लोग जो जूस पीते हैं। अच्छा, ये पेपर स्ट्रो इसलिए यूज करते हैं, बहुत पतला है, अच्छा, भारी नहीं है, भारी दूसरा कोई भी चीज लगाएंगे भारी लग जाता है, चोट लगने का ज्यादा चांस। अच्छा, ये बिल्कुल ही बिल्कुल लाइट, ये भी पेपर भी है तो इसलिए थोड़ा सा गीला होने पर चोट बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा, और कोई कोई बेकर रोड लगा देता है फोम का। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में वही लगवाया, उसमें भी फोम में प्रॉब्लम है कि जब गर्मी के टाइम में अंदर करके ज्यादा गर्मी लग जाता है। अच्छा, तो ये टेप निकल जाता है, मतलब पसीने, मतलब फ्लूइड छोड़ता है कान के अंदर से। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस है, आप घर में ना करने शुरू कर देना एक्सपेरिमेंट, ये सिर्फ दिखाने के लिए। जब उसको काटना होगा तो इधर से टेप लगा करके नापना चाहिए।
इधर से, कहाँ से? इधर से, यहाँ ये बेस एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे एक कैप है। अच्छा, यहाँ पर ये कैप है, क्या रख करके हम लोग क्रॉपिंग कराए ताकि टेपिंग करना आसान पड़े। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इधर से लगा करके इधर तक। ठीक है, ठीक है, और इसको काट लेना। हाँ, उसको काटना है। दर्द वगैरह तो नहीं होती बच्चे को? नहीं, कुछ नहीं होता, सिंपली। तो आप तो देखिए बस, कल को अच्छा देखने के लिए जो होता है ये देखिए, ये दो बना लिए इन्होंने बराबर नाप के। ठीक है, ये दो चीज बन गया। अभी आपको टिश्यू पेपर चाहिए? अच्छा, टिश्यू पेपर और है। जब ये कान से कोई भी फ्लूइड आए तो ये सोकिंग कर देगा। तो फ्लूइड कहाँ से आता है इसके? ये इसके अंदर मतलब रह करके ना थोड़ा सा फ्लूइड आने लगता है। जब अच्छा। जब निकाल देते हैं उसमें गीला गीला पड़ जाता है। अच्छा, वो मॉइस्चर आ जाता है। हाँ, मॉइस्चर टाइप का। मतलब ये सर्दियों में हमारे उधर मॉइस्चर नहीं आता होगा, यहाँ पर मॉइस्चर वाला मॉइस्चर बहुत ज्यादा आता है। हाँ, तो ये दोनों टिश्यू पेपर ऐसे रख दिया, बीच में लगा करके रैप कर दिया। अच्छा, इसको और सॉफ्ट कर लिया। अच्छा, ये भी अपना अपना तरीका है भैया, है ना? हाँ, सभी का अपना अपना तरीका है। इसमें बिल्कुल इंजरी नहीं होता है पपी का। हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। तो ये पपी कितनी देर का अभी भैया? और ये अभी 84 डेज का हो गया। अच्छा, 84 डेज का। अभी ये जो पेपर है माइक्रोपोर बोलते हैं। अच्छा, माइक्रोपोर पेपर टाइप का टेप है। अच्छा, क्योंकि ये लगाते हैं, इसको इसे लगा दिया। ठीक है, अभी दूसरा, ये भी उसी तरह का और एक बनाना होता है दोनों कान के लिए। अच्छा, दो बना लिया। चलो आप दो बना लीजिए पहले। तीन टाइप का क्रॉपिंग चलता है ये। अच्छा। तो शॉक क्रॉपिंग है, ये फुल लेंथ नहीं है। अच्छा, ये पूरा फुल लेंथ लेकर के शॉक पर्पस में कर सकते हैं, वो ज्यादा टाइम लगेगा। ये मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, दूसरा पिटबुल का वगैरह बैटल क्रॉप होता है, तो ये छोटा सा, क्योंकि वो फाइटिंग में वगैरह जाएगा तो उसके कान में चोट न लगे। ठीक है, छोटा सा कर देते हैं। तो इसे ये बन गया, ये बनने के बाद इसको इधर लगा दिया। उसके बाद ये जो टेप है उल्टा करना है। अच्छा, उल्टा करेगा तो वो चिपकने वाला अंदर चिपकेगा। इधर है। अच्छा, वो स्टिक को चिपकाना आपने? हाँ, स्टिक को। वो वहां से उल्टा करके स्टिक को चिपका दिया आपने और ये रोल बन रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा सॉफ्ट हो गया। और भी ऐसे लगा दीजिए, ये चिपकने वाला चीज हो गया। एक राउंड ऐसे लगा दिया, उसके बाद टेढ़ा कर दिया, उसके बाद घुमा लीजिए तो वो चिपकने वाला साइड बाहर हो जाए, ताकि कान में अंदर रखेंगे तो कान इसमें चिपक जाए। ठीक है, फिर अगला भी इसी तरह का लगा दिया। ये दोनों दोस्तों ऐसे तैयार कर लेना आपने, ये बिल्कुल ये चिपकने वाला बाहर साइड आ गया, पहले अंदर से चिपकाया फिर दूसरा रोल बाहर साइड कर लिया ताकि ये कान के साथ चिपक जाए इसके, और ये दोनों ऐसे तैयार हो गए। ये देखिए अभी कैसे पोस्टिंग करते हैं। हाँ, पोस्टिंग कान को एकदम ऐसे रखना चाहिए, ऐसे टेढ़ा नहीं, ऐसे टेढ़ा नहीं, ऐसे भी नहीं, एकदम ऊपर उठा के ऐसे साइड में जैसे आगे से दिखना चाहिए वैसे। एक सेकंड, यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पोजीशन तो ऐसे पोजीशन रख करके इसके अंदर ये लगा दीजिए अंदर, और ये ग्रेडर में भी होती है ये। उसके बाद ये जो लगाना सीधे ये टिप है ना, ये टिप के इधर जाना चाहिए। अच्छा, अंदर से बिल्कुल जहाँ पर बाल नहीं होते उसके साथ लगा के कान खींच करके ऊपर लगाना है, टेढ़ा मोड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सी टेप से, पेपर टेप से, माइक्रोपोर से ऊपर में हल्का सा दबा, सिर्फ दबाना है, इससे खींच करके नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, क्योंकि डॉक और तकलीफ ना हो। जब टाइट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा उसमें। अच्छा, तो उसके बाद खड़ा होने में वो टाइम लगेगा, कभी कभी इंजरी भी हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही रोल कर दीजिए करके ऐसे, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने ये इसको ऊपर से बस पेस्टिंग करना है। ये अंदर से रॉड बनाने का तरीका, बिल्कुल सॉफ्ट सा बनाना है। सिर्फ इधर आते हैं तो फिर ऐसे ही कर दीजिएगा। अच्छा, और ऐसे खड़ा रहेगा तो देखिए, इससे रहेगा तो ये बैठ गया। हाँ, ये बैठ करके करेगा जब मतलब जो कुत्ता अलर्ट हो जाता है। हाँ, कान ऐसे करते हैं ना। हाँ, कान तो ये नहीं निकलेगा। अच्छा, तो इसलिए इसे पकड़ करके, ठीक है, ऊपर को पकड़ना, ऐसे कवर कर दीजिए, और नीचे आता है तो दो तीन बार थोड़ा सा टाइट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट ऊपर बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। पर नीचे से टाइट होगा ब्लड फ्लो कर जाएगा ऊपर? नहीं, नीचे उतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ज्यादा है ना का। अच्छा, ऊपर बहुत कम है। अच्छा, ऊपर कम, और इधर से ऊपर तक जाना है। ठीक है, और दोनों तरह इधर से दोनों साइड कर लेना, और ये सामने से तो इधर से भी, सिर्फ ये जो डंडा जाना चाहिए सीधे लाइन टिप पे, ऐसे नहीं लगना चाहिए, ऐसे भी नहीं लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए एकदम, ये दबाएगा ये उठाएगा, इससे पकड़ के
ऐसे रखिएगा क्योंकि कान सही है। उसके बाद हाँ, दूसरा और एक चीज है, जैसे भी टेपिंग लगाते हैं इधर से पीछे की ओर मत करिएगा। अच्छा। हमेशा टेपिंग इसे रख करके ये मुंह जहाँ है उस साइड से पीछे की ओर करना चाहिए। अच्छा, और उल्टी साइड नहीं चलना? उल्टी साइड, क्योंकि ये जो साइड है इधर मोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब ये साइड मोड़ेगा कुत्ता अलर्ट होती है यहाँ पे बॉन्ड सही जा रहा है। समझ गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखना चाहिए। हाँ, इस कारण ये वो मोड़ करो, पीछे मोड़ सकता है ठीक, बट आगे बिल्कुल मोड़ने मत दीजिए। मतलब आपने ये पोजीशन है ना जो, हाँ, इसको आगे को रखना है ऐसे, यहाँ से टाइट करके अंदर को, ये टेप जो घुमा रहा है, हाँ, है? टेप इधर से लेकर के बाहर ठीक है, ऐसे अंदर से जाना चाहिए। तो आपकी क्लॉक वाइज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाना चाहिए, एंटी क्लॉक वाइज नहीं चलना ठीक है। तो इधर लगा दिया ठीक है, ऐसे ही लगा करके दबा दिया, इधर टाइट कर सकते हैं, देखिए ना आप इधर देख सकते हैं ये चमड़ा इधर जा रहा है, ये जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, बट इसको इधर मोड़ना नहीं ठीक है। से दो तीन बार बेस में अच्छा से स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ज्यादा टाइट भी नहीं ज्यादा हल्का भी नहीं, दो तीन, और ये तीन चार बार करनी पड़ती है ना। हाँ, ये तीन दिन के बाद फिर खोलेंगे। हाँ। उसके बाद ये टेप आता है, ये क्लॉथ टाइप का है ठीक है, ये वही हो गया। हाँ। कपड़े वाला, हाँ, कपड़े वाला क्लॉथ वाला टेप, वो 2 इंच का है ठीक है, ये थोड़ा चौड़ा आता है 2 इंच वाला, इसको खोलिए ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये पेपर टेप इसलिए लगाते हैं, इसको कान में बिल्कुल चोट ना लगे ठीक है। अब ये आ गया कपड़े वाला टेप, इसको बेस में ऐसे लगाइएगा, कान ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं टेढ़ा। अच्छा। नहीं होना चाहिए ठीक है, ऐसे रख करके सिर्फ ये भी टाइट नहीं करना है, सिर्फ रोलिंग करके दबाना है। अच्छा, ये बस ऐसे लगाना, ये मतलब इसको एक सहारा देना कि दोनों को जुड़ जाए, दोनों को जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाए कान खड़े रहे ठीक है ठीक है ठीक है। देख करके इधर से भी बिल्कुल कान पे प्रेशर नहीं होना, ये एक तरह का स्पोर्ट बनाना दोनों में। हाँ। बस ये हो गया, छोटा पप्पी रेडी, पाज पहन लिया इसने। तो अभी ये कान ऐसे ही रहेगा, जब अलर्ट होता है दोनों खड़े हो जाता है। हाँ। वाइड नहीं होता है, गिरने का संभावना, क्योंकि इसका रीजन यही है, जब छोटे बच्चे होते हैं हमारे कान का भी हड्डी होता है, वो हड्डी बहुत हल्का है, वो छोटे से काट करके ऐसे पेस्ट लगा, मतलब स्टंप लगा करके टेपिंग करते रहेंगे, ऐसे ही हमेशा रहेगा, तो धीरे धीरे वो हड्डी स्ट्रेट हो जाता है। अच्छा। हा? जब बड़ा होने के बाद नहीं कर पाता है, क्योंकि हड्डी टाइट हो गया, जो ये भी बहुत नरम है हड्डी, इसलिए बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। चलो दोस्तों, मैं केरला से था और ये भाई साहब ने बड़ा अच्छा समझाया कि कैसे टेपिंग करना चाहिए, क्योंकि सर्जरी तो डॉक्टर करेगा लेकिन टेपिंग के लिए आप बार बार नहीं जा सकते बच्चा लेकर, तो ये टेपिंग ऐसे होती है। आप ये वीडियो को शेयर कर देना अगर किसी ने ऐसी ब्रीड रखी हुई है। थैंक यू, बाय बाय।